नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जन संदेश टाइम्स और मैं कीर्ति। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2022 के दौरान कई मुद्दे चर्चा में रहे और उनमें से मुलायम की छोटी बहू अपर्णा बिष्ट यादव का बीजेपी में शामिल होना भी एक चर्चित विषय रहा। सपा को पूरी उम्मीद थी कि अपर्णा अपने परिवार का साथ देंगी, लेकिन उन्होंने सपा का साथ छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया और आए दिन सपा को लेकर निशाना भी साधती रहती है। वहीं भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाली अपर्णा ने चुनाव परिणाम को लेकर बहुत बड़ी बात कह दी है। आपको बता दें, अपर्णा यादव ने कहा है कि भारत में जैसे कहा जाता है कि हर कंकड़ में शंकर है, तो वैसे ही बनारस में अगर कोई है तो मोदी है और मोदी ही रहेंगे। मोदी है तो मुमकिन भी है और योगी है तो सबको यकीन है। वहीं अपर्णा यादव ने पीएम मोदी की जनसभा का जिक्र करते हुए कहा कि कल जिस प्रकार जन सैलाब था वो दिखाता है कि प्रधानमंत्री ने यहाँ बहुत मेहनत की। उत्तर प्रदेश में 10 मार्च के बाद भाजपा पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। आपको बता दें कि मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव ने विधानसभा चुनाव 2022 में पहले चरण के मतदान से पहले ही समाजवादी पार्टी से नाता तोड़ भाजपा से अपना सियासी सफर प्रारंभ किया। आप सभी जगह पर चुनाव प्रचार के दौरान समाजवादी पार्टी पर ही जोरदार प्रहार करती नजर आती हैं। इसी के साथ वो समाजवादी पार्टी पर तुष्टिकरण की राजनीति का आरोप भी लगा रहे हैं। अपर्णा ने कहा कि सपा की साजिश है और उसका मुंह तोड़ जवाब दीजिए, बल्कि मैं तो कहूंगी कि अगर मुंह तोड़ना भी है पड़ जाए तो मुंह तोड़ दीजिए। इस तरह की बातें उन्होंने कही है समाजवादी पार्टी के खिलाफ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ करती हुई भी अपर्णा यादव नजर आई। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हम लड़ेंगे हनुमान की तरह और जीतेंगे राम की तरह। वहीं कोरोना वैक्सीन को लेकर विपक्ष पर तंज कसते हुए अपर्णा ने कहा कि कोरोना की वैक्सीन मोदी का टीका है। जब कुछ लोग बीमार पड़े थे तो सभी विपक्षियों ने चिप चिप कर टीका लगवाया। मीडिया की वजह से बाद में उन सभी की वैक्सीन लगवाते हुए फोटो वायरल हो गई। अब अपर्णा ने तो साफ साफ बीजेपी की जीत घोषित कर दी है। देखने वाली बात यह होगी कि छोटी बहू के दिए बयान का मुलायम परिवार की तरफ से कैसा रिएक्शन आता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे किसी राजनीतिक खबर के साथ, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए जन संदेश टाइम्स।